शहर के जीटी रोड पर स्थित लिम्बरा स्कूल के पीछे मन्नत नामक बेकरी है, बताया जाता है, जिसका मालिक बप्पन है, जिसकी जानकारी राजेश ने दी। साथ ही बताया कि आज सुबह जब नाश्ते के लिए टोस्ट दुकान से लाया था और जब बच्चे के साथ मन्नत नाम बेकरी के टोस्ट आधा खाया ही था कि अचानक उस पर नजर पड़ गई, जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही बेकरी मालिक की है और साथ ही कहीं ना कहीं खाद्य विभाग भी जिम्मेदार है, क्योंकि बेकरी का खाद्य पदार्थ बनाने का लाइसेंस जारी करने के बाद समय समय पर इनकी सैंपलिंग कर टोस्ट की गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जाए। अब देखना है कि खाद्य विभाग के अधिकारी मन्नत बेकरी मालिक के खिलाफ क्या कानूनी कार्यवाही करते हैं। आपका नाम? जी राजेश नाम है मेरा। ये जो मन्नत रस का जो कीड़ा निकला हुआ है, क्या कुछ मामला है? जी सर, सुबह में अपने बच्चे के लिए, जैसे कि घरों में होता है कि सुबह सुबह चाय नाश्ता होता है, तो मैं अपने बच्चे के लिए, 3 साल का बेटा है मेरा, मेरे भाई का, तो उसके लिए मैं टोस्ट लेके आया था दुकान से। तो उस टोस्ट में मैंने निकाल के उसे दिया था, तो उसमें आधा पैकेट, जो पैकेट खोला था तो उसमें आधा टोस्ट तो उसे दे दिया था खाने के लिए, और जब आधा उसमें देखा तो उसमें कीड़ा था, तो फिर वो मैंने उसे खाने नहीं दिया। अब बताइए, आप ही बताइए कि 3 साल का बच्चा है, अगर ये इस तरीके के कीड़े मकोड़े इसमें आते हैं टोस्ट में बने हुए, बेकरी वाले इस चीज़ का ध्यान नहीं देते और ये खाता, तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती। कौन सी बेकरी है? जी ये बेकरी मैं आपको दिखाऊंगा, ये मन्नत के नाम से है, ये मन्नत और नियर लिम्बरा स्कूल एटा, मन्नत बेकरी के नाम से है, और ये मैं, आप इसमें देख सकते हैं, ये इसमें ये कीड़ा साफ साफ दिख रहा है, काले रंग का जो कीड़ा है, इसमें इन लोगों ने ऐसे ही पैकिंग कर दिया। इसमें इसकी शिकायत इसको बेकरी वाले को आपने किया है? जी अभी हमने फ़ोन किया था उसे, और इसमें नंबर भी दिए हैं दो, तो उसमें फ़ोन किया था, तो फ़ोन अभी बैल जा रही थी और किसी ने फ़ोन उठाया नहीं है। तो क्या मानना है आपका ये? जी मैं तो यही कहूँगा कि जो देखिए, ये सब जो फूड डिपार्टमेंट वाले होते हैं, तो ये टाइम टू टाइम इन लोगों को नज़र रखनी चाहिए, इस पर चेकिंग क्यों नहीं करते, कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, ये लोकल यहीं का मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, तो कैसा कस्टमर को प्रोवाइड करा रहे हैं प्रोडक्ट। अब इसमें अगर इस तरीके से हमारे पास जब ये एक पैकेट आया है, तो आप सोचिए हज़ारों पैकेट बनाते होंगे, और कुछ लोग इसे रात में भी खाते होंगे, तो रात में कहाँ देख पाएंगे। आपका मानना है कि अगर ये रात में खाते तो ये कीड़ा जो है, तो जाहिर सी बात है, अगर इसे हम अंधेरे में खाते तो ये जाहिर सी बात है, अगर हमारा मेरा बेटा इसे खाता अंधेरे में तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ता है। क्या कार्रवाई करेंगे आप? जी अब देखिए, आपके माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और जो हमारे एटा के जो फूड इंस्पेक्टर हैं इस बात पे ध्यान दें, संज्ञान में लें इस मामले को, और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई जो भी हो वो करें।